हेलो दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं हम यूपीएससी की नई मैपिंग सीरीज क्लास के बारे में। और आज को मैं आपको एक अच्छी क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हम सभी प्रशांत महासागर में स्थित सभी महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं वे किस किस का पार्ट है। जैसे हम बात करेंगे माइक्रोनेशिया की, कि आखिरकार माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड कंट्री हैं। ये आपको माइक्रोनेशिया दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें पोलिनेशिया, तो पोलिनेशिया में आपको कौन कौन से आइलैंड कंट्री हैं वे दिखाई देंगे। और फिर हमको देखना है आपको मलेनेशिया, कि मलेनेशिया में कौन कौन से आइलैंड कंट्री हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और आप सभी हर एग्ज़ाम में एक बार इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिरकार न्यूजीलैंड किसका पार्ट है। जैसे आप देखते होंगे कि न्यूजीलैंड पोलिनेशिया का पार्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो इन पर ही हम बात करेंगे और इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं माइक्रोनेशिया से, आखिरकार माइक्रोनेशिया में कौन कौन सी कंट्री मौजूद है। तो बात करते हैं माइक्रोनेशिया की, कि आखिरकार माइक्रोनेशिया में कौन कौन सी कंट्रियाँ मौजूद हैं, और इसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया में आप सभी को कंट्रियों के बारे में बता दूं कि माइक्रोनेशिया में जो कंट्री हैं उन कंट्रियों में आपको दिखाई देगी पहली कंट्री मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड, तो मार्शल आइलैंड आपको ये दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद करते हैं हम मोरिनिया आइलैंड के बारे में। मोरिनिया आइलैंड ये भी इसी का पार्ट है माइक्रोनेशिया का। अगली बात करते हैं हम गुआम। गुआम भी माइक्रोनेशिया का ही पार्ट है। अगली बात करते हैं हम पलाऊ, ये भी माइक्रोनेशिया का पार्ट है। अगली बात करते हैं हम फिनेडिड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, यह भी इसी का पार्ट है। अब बात करते हैं हम मलेशिया में, कि आखिरकार मलेशिया में कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं प्रारंभ में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो छोटा सा पार्ट है यह भी मलेशिया में मौजूद है। आपको दिखाई दे रहा होगा इंडोनेशिया ये यहाँ। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी यह भी इसी का पार्ट है। तो आप सभी को पता होगा कि इस बार पपुआ न्यू गिनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पपुआ न्यू गिनी इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो आप सभी बच्चे प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आखिरकार पपुआ मिनी न्यू गिनी में क्या हुआ। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि पपुआ न्यू गिनी में इस बार रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ से एक पार्ट यानी इस पपुआ न्यू गिनी का एक पार्ट नई कंट्री की मांग कर रहा है। और जब जब किसी कंट्री ने रिफरेंडम के माध्यम से अलग होने की मांग की है, तो यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन पूछा। जैसा कि आप देखते होंगे 2018 प्रीली एग्जाम में कैटालोनिया से क्वेश्चन आया था। तो इस बार पपुआ न्यू गिनी बहुत ज़्यादा चर्चा में, एक बार बच्चों इसे ज़रूर देख लें। अब हम बात करते हैं न्यू आइलैंड, अगले आइलैंड की। तो उसका नाम है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड है। अगली बात करते हैं न्यू कैलिडोनिया, यह भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं फिजी, यह भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है वनाटाउ, यह भी इसी का पार्ट है। तो इन कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्हें नोट करते रहें कि आखिरकार माइक्रोनेशिया में कौन सी कंट्री है, मलेशिया में कौन सी कंट्री है। अब बात करते हैं हम पोलिनेशिया की, कि आखिरकार पोलिनेशिया में कौन कौन सी कंट्री मौजूद है। तो पोलिनेशिया में हम बात करते हैं पहली कंट्री हवाई के बारे में, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि आप जानते होंगे जो किलायू ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, वो हवाई द्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में है। पर हम बात सक्रिय ही कर रहे हैं तो हवाई द्वीप में है, और हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु से। और ये होनोलुलु और हवाई द्वीप जो यूएसए का पार्ट है, यूएसए के अधिकृत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगली आपको दिखाई देगी अगली स्लाइड में किरीबाती। किरीबाती क्यों चर्चा में रहा यह भी आप बताएं, कि किरीबाती एकमात्र ऐसा देश है जो अब पूरी तरह से डूब चुका है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से आप देखते हैं कि जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उससे नदियों का प्रवाह बढ़ रहा है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो यह एकमात्र ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह अब समुद्र में डूब चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुक आइलैंड, टोंगा आइलैंड। टोंगा आइलैंड ये सभी, तुवालु आइलैंड ये सभी कंट्री आप सभी को दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी सी, ये सभी पोलिनेशिया का पार्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूजीलैंड।
तो न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया का पार्ट है। एक बार बच्चों प्लीज़ आप चेक कर लें कि आखिरकार कौन कौन से आइलैंड किस किस का पार्ट है, जैसे ये आप सब एक बार नोट कर लें, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये आपको दिख रही होगी यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, तो मकर रेखा यहीं से जाती है, जबकि आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी कौन सी ट्रॉपिक इक्वेटर, तो इक्वेटर जस्ट किरीबाती के पास है। तो ये सीरीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इक्वेटर किसके पास है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजर रही है। एक बार इनके बारे में भी आप जरूर देख लें, बहुत अच्छी स्लाइड है, एक बार बच्चों से जरूर नोट कर लें, आप सभी क्वेश्चन इससे आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं, अगली स्लाइड हम देखते हैं, ये सभी स्लाइड आज हमें पढ़नी है, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में। तो यहाँ देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पहले यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड है। जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भाग को, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये इसके पार्ट हैं। कभी कभी इनकी कैपिटल आपसे पूछ ली जाती है कि विक्टोरिया की राजधानी क्या है, वेस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, नॉर्थ साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है। तो आप सभी को इनकी राजधानियों के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं क्वींसलैंड की राजधानी, तो क्वींसलैंड की राजधानी आपको दिख रही होगी ब्रिस्बन। हम बात करते हैं यहाँ आपको छोटा दिखाई देगा कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, और जो ऑस्ट्रेलिया की पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की राजधानी है वह है कैनबरा, आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम बात करते हैं विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, और यहाँ आपको छोटी सी राजधानी साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको दिखाई देगी एडिलेड्स, ये आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, और यहाँ आपको 8 माइल बीच दिखाई दे रहा होगा, 8 माइल बीच आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम बात करते हैं आखिरकार इन कंट्रियों को याद करने के लिए, तो आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इन सभी कंट्रियों को याद करने के लिए और इन सभी कंट्रियों के कैपिटल याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करना होगा। इस ट्रिक को हम बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बी एस सी एम ए पी एच डी, तो हमको दिख रहा होगा यहाँ छोटी सी कंट्री है ब्रिस्बन के बाद न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हमें दिखाई दे रही है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, और हमें दिख रहा होगा यहाँ 8 माइल बीच, इसे हम पीएचडी बोल सकते हैं 8 माइल बीच, तो नेक्स्ट डी डार्विन यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। तो एक घड़ी की यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप सभी 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 जो स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के सभी स्टेटों की कैपिटल आप याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के पास और क्या क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमें आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा तिमोर सी, यहाँ आपको दिख रहा होगा अराफुरा सी, यहाँ आपको दिख रहा होगा कोरल सी, ये आपको दिख रहा होगा पैसिफिक ओशन। अच्छा, लोकेशन याद रखनी है, कभी कर्म से पूछ रहे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा 8 माइल बीच, आपको भी बताया था, ये आपको इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये आपको साउदर्न ओशियन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है ये इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम, ये आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ कारपेंटिया, जो ये गल्फ ऑफ कारपेंटिया ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्रेड, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपको भी बता दिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, अभी इनकी कैपिटल आपको बताई थी मैंने, ब्रिस्बन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न,
ऑस्ट्रेलिया की, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और नॉर्दर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। तो अभी ट्रिक बताई थी इसकी क्या, बीएससी एमए पीएचडी। प्लीज़ बच्चों बार बार इन्हें मैपिंग से देखते रहें, नोट करते रहें, जब भी आपके याद होंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं। तो अगली स्लाइड में हम कुछ देख लेते हैं माउंटेन रेंजेस कि आखिरकार कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। तो अभी हमने इन सब के बारे में देखा, तैमोरसी, हराफुरासी, गल्फ ऑफ कारपेंटिया, इन सब के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। तो पहली हम बात करते हैं, ये माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही होगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, इसका नाम है ग्रेट डिवाइजिंग रेंज, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज। और इस ग्रेट डिवाइजिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ दिखाई देगी जिसका नाम है माउंट कोसयुस्को, माउंट कोसयुस्को। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ, छोटी सी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, यहाँ आपको दिख रही होगी ग्रे रेंज, ग्रे रेंज। तो ये ग्रे रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आपको दिख रही होगी मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज। नेक्स्ट आपको दिख रही होगी मुसगार्वर, मुसगार्वल रेंज, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। एक ये रेंज है ऑस्ट्रेलिया में जो आपको दिखाई दे रही होगी, एक रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया में। इन्हीं पांच छह रेंज आपको याद रखनी, ये श्रेणी आपको याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रेट डिवाइजिंग रेंज और मैकडोनाल्ड रेंज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आखिरकार, अब हम देखते हैं यहाँ डेजर्ट्स, क्या आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट्स स्थित है मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में हमको दिखता है पहले ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, गिब्सन डेजर्ट्स, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स हमें दिख रहा है यहाँ, सिम्पसन डेजर्ट्स, तानामी डेजर्ट्स, ग्रे रेंज अभी बात की थी हमने, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज अभी बात की थी इसके बारे में भी, और यहाँ आपको दिख रहा होगा किम्बरले प्लेटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किम्बरले प्लेटू। तो किम्बरले खान जो अफ्रीका में है, लेकिन किम्बरले प्लेटू जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये छोटी छोटी सी लोकेशन आपको, ये आपको लेक्स आयर दिखाई दे रही होगी, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण झील है ग्रेट लेक्स आयर, इसे आपको याद रखना है। और ये सभी बराबर की लोकेशन मैंने आपको बता दी, पर्थ, इन सब के बारे में, तैमोरसी, एक बार इन्हें आप जरूर देखते रहें, सबको लोकेशन बार 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 आपके अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देखते हैं, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की जो महत्वपूर्ण रिवर हैं उनमें एक डार्लिंग और एक मरे, एक डार्लिंग और दूसरी मरे रिवर है। इन्हीं दोनों नदियों को आगे चलकर मरे डार्लिंग बोला जाता है और आगे चलकर ये इंडियन ओशन में गिर जाती है, यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये दो महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, डार्लिंग और मरे। नेक्स्ट आपको मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दूँ कि मरे और डार्लिंग ये नदियाँ हैं, और डार्लिंग एक रेंज भी है ऑस्ट्रेलिया की, एक रेंज का नाम डार्लिंग रेंज है जो आपको यहाँ दिखाई देगी, देखो ये ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग रेंज है। तो नदी यहाँ से निकल रही है डार्लिंग और रेंज साइड। तो आपसे यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है कि क्या डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि डार्लिंग रेंज अलग साइड है और डार्लिंग नदी अलग साइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो नदियों के बाद हम देखते हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि यहाँ इस बार आपको दिखाई देगा होगा कि जंगलों में आग लग जाने के कारण यह इंपॉर्टेंट का विषय रहा। तो हम देखते हैं आखिरकार, अगर आपसे लोकेशन पूछ लगे इस बार जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, वो फॉरेस्ट फायर किन राज्य, ऑस्ट्रेलिया के किन राज्यों में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया की इस वाली बेल्ट में इस बार फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो अभी हमने देखा था इस साइड जो पड़ रहा था, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और इन सभी क्षेत्रों में, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, इन क्षेत्रों में इस बार जंगल ज़्यादा जले हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इस बार फॉरेस्ट फायर्स जो आपको पूरी तरीके से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आपदा से संबंधित या जंगलों से संबंधित, जंगलों के प्रकार या वनों के प्रकार, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। इस बार यूपीएससी पक्का एक क्वेश्चन इससे पूछेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो अगली बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड अभी हमने बात की थी, न्यूजीलैंड पार्ट है पोलिनेशिया का, और न्यूजीलैंड के बीच हमें छोटी छोटी सी लोकेशन के बारे में बात करना है, जैसे कि न्यूजीलैंड ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, और इनके बीच में एक छोटी सी स्टेट है जिसे बोलते हैं क्रच स्टेट्स, कुक स्टेट्स। हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन, वो कौन से आइलैंड पे है, क्या नॉर्थ में क्या साउथ में, नॉर्थ या साउथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलिंगटन है वह उत्तरी न्यूजीलैंड के पार्ट में स्थित है। तो ये छोटी छोटी सी लोकेशन है न्यूजीलैंड के बारे में, आपको इस बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ आपको दिखाई देगा
ओकलैंड आइलैंड, ओकलैंड जहाँ क्रिकेट मैच भी होते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा थ्री किंग आइलैंड, ये आपको याद रखना है कि थ्री किंग आइलैंड कहाँ है। इन छोटे छोटे से लोकेशन पर आप ध्यान देंगे, बस इन्हीं आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा किसका पार्ट है। ये फोरफैक्स स्टेट्स आपको ये याद होनी चाहिए कि ये स्टेट्स किस किसके बीच में है। नेक्स्ट लोकेशन पर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। बाकी आपको मैपिंग में सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास होती है वहाँ आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि आखिरकार इसके दोनों साइड कौन कौन सी ओशन है, तो इधर तस्मान सी है और इधर पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैं आपको एक छोटी स्लाइड में एक चीज़ और बता दूँ नीचे कि ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं तस्मान, इसे बोलते हैं तस्मान। ये छोटा सा पार्ट है तस्मान, छोटी सी कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है हॉबर्ट। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही इन दोनों के बीच एक छोटी सी स्ट्रेट है जिसे बोलते हैं बॉस स्ट्रेट्स, बॉस स्ट्रेट। यहाँ आपको दिखाई देगी छोटी सी लोकेशन बॉस स्ट्रेट्स, जो ऑस्ट्रेलिया हुआ है तस्मान के बीच में, ऑस्ट्रेलिया हुआ है तस्मान के बीच में ही आपको दिखाई दे रही होगी बॉस स्ट्रेट्स। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके, ये बॉस स्ट्रेट्स तस्मान सी और इंडियन ओशन के बीच, जो तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये लोकेशन आपको सब चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद। नेक्स्ट हम यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में जो लैंडलॉक कंट्री है उन लैंडलॉक कंट्रियों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहली लैंडलॉक कंट्री की आज मैं बात करता हूँ, उनकी सीमा किसके साथ लगती है, तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में बात करता हूँ कि ऑस्ट्रिया की सीमा किस किस से लगती है, तो ऑस्ट्रिया की सीमा जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोनिया, लिस्टर्ट, स्विट्जरलैंड, ये छोटी छोटी सी कंट्री इसके साथ सीमा रखती हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ लग्जमबर्ग के बारे में कि लग्जमबर्ग लैंडलॉक कर रही है, इसकी सीमा के बारे में कि कौन कौन सी कंट्री लग्जमबर्ग के साथ बाउंड्री रखती है, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो लग्जमबर्ग के साथ आपको दिख रहा होगा बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस, ये तीन देश सीमा रखते हैं। अगर हम बात करें इस साइड तो यहाँ लैंडलॉक कंट्री आप देखते हैं कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये छोटी सी आपको स्लाइड में आपको दे सकता हूँ, इसी से आप इस इमेज से आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी सीमा किसके साथ रखती है। अगली हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड की सीमा किस किसके साथ रखती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की सीमा, ये आपको स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा होगा और इसकी सीमा फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन सब इटली, इन सब के साथ सीमा रखती है। तो आप एक बार इन्हें भी नोट कर लें। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हम बात करते हैं फ्रांस की सीमा, तो फ्रांस की सीमा सात कंट्रियों के साथ लगती है, ये फ्रांस है, फ्रांस के साथ बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, अंडोरा, स्पेन। तो ये अंडोरा आपको याद होना चाहिए कि ये स्पेन और फ्रांस के बीच में बहुत छोटा सा देश है अंडोरा। नेक्स्ट ये सभी आपको कंट्री याद रखनी है। नेक्स्ट अगली स्लाइड देखते हैं आर्कटिक कंट्रियों के बारे में, तो आर्कटिक कंट्री आपको पता है कि आर्कटिक का जो आर्कटिक ओशन है इसके ऊपर से अगर इसकी इमेज ली जाए तो आठ कंट्रीज के साथ सीमा रखती हैं। जैसे हम देखते हैं आठ कंट्रियों के बारे में, तो एट कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का जो पार्ट है अलास्का वह सीमा रखता है, कनाडा, डेनमार्क का जो पार्ट है, ग्रीनलैंड, ये सभी आठ कंट्री इसकी सीमा रखते हैं। और आपको पता होगा इसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। तो ओटावा डिक्लेरेशन के द्वारा आर्कटिक जो ओशन है इसके सहायक देश भारत इसका ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है, भारत इसका पर्यवेक्षक दर्जा है, ना कि पूर्ण सदस्य, भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक दर्जा जरूर रखता है। नेक्स्ट अगली लोकेशन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है ब्लैक सी। ब्लैक सी हमने कई बार पढ़ा कि ब्लैक सी ये रहा और ब्लैक सी के बीच बाद में आता है सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच जो रेड जो जलसंधि है उसे बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट्स। और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स यानी इसके बाद सी ऑफ मरमरा के बाद आता है एजियन सी, और एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने के लिए नई जो अगली संधि है उसका नाम है डेडेनेल्स जलसंधि। तो आपको पता होना चाहिए इससे ब्लैक सी से ऊपर हमने पढ़ा था इसकी ट्रिक की ग्रेट रब ये कंट्री सीमा रखती हैं ब्लैक सी के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखें और पूरी कंप्लीट देखें और देखने के बाद इसे नोट करें। और आपकी मैपिंग सीरीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, प्लीज़ एक बार इसे लाइक व
शेयर कर दें। यहाँ हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में यूरोपीय यूनियन कंट्री, तो यूरोपीय यूनियन आपको पता होगा अब ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद यूरोपीय यूनियन कंट्री की संख्या मात्र 27 रह गई, तो ये आपको याद रखनी है कंट्री। ऑस्ट्रिया, बुल्गेरिया, साइप्रस, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इन सभी कंट्री को एक बार आप, पोलैंड, माल्टा, लाटविया, इटली, इन सभी कंट्री को एक बार आप जरूर नोट कर लें या एक बार इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू। एक बार आपको फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इन सबको इकट्ठा करने में।